हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप जानवाल और आज देखते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर क्या कुछ काम चल रहा है। कल मैंने वीडियो डाली नहीं क्योंकि कल मेरे को काम था, तो वीडियो शूट मैंने की दी थी। तो आज देखते हैं कि आज कितना काम हो चुका है। तो ये देख सकते हो आप, इधर है जो अभी मिट्टी का कार्य पूरा होने जा रहा है, थोड़ा बहुत तो हो गया। और अभी है जो टैंकर के द्वारा पानी छिड़का जा रहा है, फिर इसके ऊपर रोलर चलाया जाएगा, फिर एक दो बार और मिट्टी डाली जाएगी और फिर ये इसके लेवल में आ जाएगा। तब जाके यहाँ पर भी है जो फिर रोडे डाल दिए जाएंगे। और आगे है जो डामर का काम चल रहा है, ये देखिए मशीन खड़ी हुई है वहाँ पर, अभी आगे ले जाके हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना चैनल को। और अब दिखाते हैं हम आपको नीचे का माहौल, ये देखिए। और यहाँ पर है जो बारिश के कारण, ये देखो कितना ख़राब होता जा रहा है रोड, ये देखिए कट कट के पूरी मिट्टी है जो नीचे चली गई। जब तक ये काम पूरा नहीं होगा, जब तक है जो ये कट कट के नीचे ही जाती रहेगी मिट्टी। और आगे है जो जेसीपी चल रही है, जेसीपी नहीं एलएनटी चल रही है, एलएनटी चल रही है। और जो मिट्टी कटी हुई है वहाँ से, वहाँ पर मिट्टी है जो डाल रही है एलएनटी, अभी जाके हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं उधर। इधर भी देखिए, यहाँ पर है जो पूरी मिट्टी कट के नीचे चले गई। बरसात 3-4 दिन से बहुत तेज़ आ रही है, जिसके कारण है जो ये ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है अपन को सड़क पर। ये एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर, ये देखिए क्या हो रहा है, ये सड़क का हाल बेहाल हो रहा है। लेकिन कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। ये तो इंडिया का नंबर वन एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है 1250 किलोमीटर का। तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ये गड्ढे होना, ये तो बस भर दिए जाएंगे, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इशू है नहीं। ये उधर काम चल रहा है, अभी आपको उधर ले जाके भी बताते हैं क्या कुछ काम चल रहा है वहाँ पर। कैमरा हिल रहा है क्योंकि मैं चलता हुआ वीडियो बना रहा हूँ। और ये है जो दो मशीन और रोलर खड़े हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी डामर का काम चल रहा था परसों के दिन, और अभी बंद है इस टाइम क्योंकि माल अभी है नहीं, इसके कारण बंद है। और जिस भी भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप वीडियो पूरी देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो भाई, क्योंकि हमारे यहाँ जो सब्सक्राइब बहुत ही कम बढ़ रहे हैं और दिनों की अपेक्षा। ये देखिए पानी भरा भी है इधर, कट कट के है जो पूरी रोड़े मिट्टी सब नीचे चले गए। अभी इधर और जाके हम आपको बताते हैं, ये देखिए इधर आ चुके हैं। मशीनों का भी दृश्य आपको दिखाएंगे कि दो मशीन हैं और रोलर हैं, एक जनरेटर है इधर। ये देखिए एलएनटी है जो गड्ढे बढ़ रही है। ये मशीनें हैं, ये देख सकते हो दो मशीनें हैं जो टावर डालने का काम करती हैं, बिछाने का कार्य करती हैं। और ये एलएनटी है जिससे ये जो खड्डे हैं वो भरे जा रहे हैं। ये देखिए मशीन, ये रोलर खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये मशीन है। ये दो लेयर डाल दी गई है इधर,
ये देखिए आगे ये तो एक लेयर है और आगे ये देख सकते हो दो लेयर डाल दी गई है व्हील और काम चलेगा। इधर ये रोलर खड़े हुए हैं, कम से कम 5-6-7 रोलर हैं, दो मशीन हैं। अभी काम बंद है क्योंकि डामर अभी आई नहीं है। दूसरी साइड काम चलेगा, इस साइड तो दो लेयर डाल दी गई है लेकिन उस तरफ है जो अभी एक ही लेयर डाली गई है तो उधर काम चलेगा। इधर है जो रोड़े का काम पूरा कंप्लीट हो गया, दूसरी साइड है जो अभी मिट्टी डाली जा रही है उधर भी अभी एक दो दिन में पूरा काम हो जाएगा। टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव हो रहा है, फिर बाद में रोलर चला के इसको सही कर देंगे। और ये जो गड्ढे आपको दिख रहे हैं उनकी भराई का काम इस टाइम चल रहा है। ये देखिए मशीन के द्वारा, ये मशीन है जो ये गड्ढे जो हुए हैं बारिश के कारण उनको भर रही है। कुछ ज़्यादा ही गड्ढे हो चुके हैं, ये देखिए। अब इधर चलते हैं, आपको बताते हैं। ये रोलर, ये टायर वाला रोलर है, ये रोलर चलने के बाद में ये वाला रोलर चलता है। यहाँ पर है जो दो लेयर डाल दी गई हैं, आपको बताते हैं। दो लेयर ये डाल दी गई है, ये दिखाई दे रही होंगी आपको। एक तो ये है और एक ये है। अब इसके ऊपर एक लेयर और डाली जाएगी तब जाके तीन लेयर हो जाएंगी, और तीन के बाद फिर एक जीरो साइज़ की और लेयर डाली जाएगी, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। जीरो साइज़ की रोड़ी डलने के बाद में, डामर डलने के बाद में। ये अभी काम बंद है जिसके कारण ड्राइवर भी नहीं है, बस गार्ड बैठे हुए हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इधर दो गार्ड हैं जो बैठे हुए हैं। और यहाँ पर है जो पूरा कंप्लीट हो चुका है काम। राजस्थान की लोकेशन है दौसा ज़िले की, तहसील हमारा बसवा लगता है। ये इस साइड भी है जो अभी एक लेयर डाली गई है, दो लेयर अभी इसी साइड डाली गई है, ये देख सकते हो आप। कम से कम 10 से 12 इंच के बीच में ये होगा। और आपको इस साइड भी बता देते हैं कि इस साइड क्या कुछ चल रहा है। इस साइड कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा, इस साइड बस एक लेयर डाली गई है और कुछ ज़्यादा कंप्लीट हुआ नहीं है काम। ये देखिए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटे का बटन है उसको भी दबा देना, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाए। और इधर है जो हाइट देख सकते हो, यहाँ पर भी है जो अभी भराई होगी। ये देखिए जो गड्ढे हैं वो भरे जाएंगे अभी। इधर कट कट के है जो पूरा हाल हो रखा है। इधर तो बहुत ज़्यादा कटा हुआ है। ये इधर ज़्यादा कटा हुआ है रोड। ये देखिए यहाँ पर तो है जो डामर भी उखड़ चुकी है, ये हाल बेहाल हो रहा है। ये देखिए ये हाइट करीबन 25 से 30 फीट के बीच में ये हाइट होगी, और अभी तो और ये ऊंचा होएगा धीरे 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 धीरे, क्योंकि अभी पूरी तरीके से अभी कंप्लीट हुआ नहीं है ना ये, तो अभी हाइट ज़्यादा ही होती जाएगी। लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, होगी लेकिन 1-2 फीट ऊंची हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी। और आगे पुलिया बनाई जा रही है जिसके कारण थोड़ा उधर से ऊंचा किया जा रहा है। और कल मेरी वीडियो आई नहीं थी, आज वीडियो आ रही है तो एक दिन के बाद में, एक दिन का गैप दे दिया था मैंने। और मैं ब्लॉग भी इस वीडियो में इस चैनल पर डाला करूँगा, तो उनको भी देखा करो आप, क्योंकि एक ब्लॉग मैंने डाला था तो उस पर कुछ ज़्यादा व्यूज आए नहीं थे। तो आप ब्लॉग भी देखा करो मेरे, क्योंकि ये जो
आपको दिखाई दे रही है हमारी डूंगरी, इसका ब्लॉग मैंने बनाया था। ये देखिए डूंगरी का ब्लॉग मैंने बनाया था और ऊपर से आपको दिखाया था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। और माहौल हमारे गांव का बहुत ही अच्छा है, ये देखिए बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है क्योंकि आज बारिश आई थी, डेली बारिश आती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर इंतज़ार करना वीडियो का, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना जिससे आपके पास हमारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए धन्यवाद।